अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक सेंटेंस पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मिसाल के तौर पर ये एक पेपर है, इसमें क्या लिखा है पढ़ो। जल्दी जल्दी, TNAW। TNAW देखो जल्दी क्या लिखा है, देखो समझो समझो। मैं बोलू? बोलो। WANT। बिल्कुल सही माशाल्लाह। इस बात के लिए आपको बिग स्टार मिलेगा, बिग स्टार। यस, कौन सा पसंद है कलर? ये पसंद है ब्लू, बिग स्टार। ये क्या लिखा है? WANT वांट। आगे उल्टा दिख रहा है। फिर TO2GOGO टू गो टू, ये टू जन्नत। यस, वांट टू गो टू जन्नत, मैंने बैकवर्ड्स लिखा है। अब देखो, अगर आप ये उल्टा पढ़ोगे, जैसे कि लिखा हुआ है सीधा, अगर आप सीधा पढ़ोगे, उल्टा नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगा? हाँ। नहीं समझ में आएगा? आपने उल्टा पढ़े तो समझ में आया ना। हाँ, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आपको मिलेगा ये बिग स्टार। आपको कौन सा चाहिए? रेड चाहिए? नहीं, मेरे को किसी को भी रेड नहीं चाहिए। ओके, ब्लू स्टार, ब्लू स्टार, जो स्टार चाहिए वो मिलेगा। यस, वेरी गुड माशाल्लाह। और आपका ये पर्पल स्टार, माशाल्लाह कितने सारे स्टार्स हो गए आपके पास। हाँ, वांट टू गो टू जन्ना, देखो आपको पता है ये जब समझ में आया तो आपको कैसे समझ में आया, बात क्या है, बात क्या है, समझ में आ गई? यस, वांट टू गो टू जन्नत में जाने का है, हमें जन्नत में जाना है। लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो पढ़ने में अच्छा लगता नहीं? समझे बगैर पढ़ने अच्छा लगता है युसरा? नहीं। क्यों समझना जरूरी है? समझेंगे तो अच्छा है ना। पता है आपको, लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता है। नमाज में अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर का मतलब सबसे बड़ा है। अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, तो अल्लाहु अकबर लोग समझते नहीं है। सुभान रब्बी अल अजीम का मतलब क्या है? सुभान रब्बी अल अजीम का मतलब क्या है? पाक है अल्लाह जो सबसे ज्यादा अजमत वाला, ग्रेटनेस वाला। सुभान रब्बिल आला का मतलब क्या है? सुभान रब्बिल आला, पाक है अल्लाह जो सबसे ऊंचा है, हु इज द हाईएस्ट। हम लोग सजदे में जाते हैं, सर को नीचे रखते हैं और क्या कहते हैं? सुभान रब्बिल आला। मालूम है आपको कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? यह आयत रिपीट करो, कद अफलहल मोमिनून, कद अफलहल, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون। हां, الذين هم في صلاتهم خاشعون, वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू रखते हैं। खुशू का मतलब जो ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोग ये रख के चल रहे थे तो ध्यान से चल रहे थे ना, ध्यान कहीं और था तो क्या होगा? गिर जाएगा, गिर जाएगा। ध्यान कहां होना चाहिए? यहां था ना आपका। अब नमाज पढ़ रहे तो ध्यान कहाँ होना चाहिए? नमाज पर ध्यान देंगे। क्यों? वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, खुशू हासिल करते हैं, खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। यस बेटा, तो नमाज में ध्यान के साथ पढ़ना है। ध्यान के साथ कैसे पढ़ सकते हैं? कौन मुझे बताएगा कैसे पढ़ सकते हैं ध्यान से? बताओ, ध्यान से नमाज पर ही दुआ अच्छे से पढ़ने का, सब सूरे वगैरह सब अच्छे से पढ़ने का, और सामने देखने का, नीचे देखने का, जहाँ सजदे की जगह पे देखना। ओके, वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। और कैसे खुशबू आ सकता है नमाज में? खुशबू कैसे मिल सकता है? यस बताओ। हम लोग सूरज अच्छे से पढ़ेंगे और सजदे की जगह पे ध्यान देंगे, वो तो सेम बात है। और बताओ, और तो हम लोग का ध्यान वहीं पे रहेगा क्योंकि हम लोग सूरज वो सब पढ़ रहे। ध्यान को कैसे कंट्रोल करें बताओ, आप लोग बताओ। जैसे आपने ध्यान कंट्रोल किए ना, सक्सेसफुल हुए ना, कार का स्टिकर है ना यहाँ पे सबके, क्या पता चला आप लोगों ने ध्यान दिए इसलिए मैंने कार का स्टिकर दिया, क्योंकि कार चलाने के लिए ध्यान चाहिए, कार चलाने के लिए ध्यान चाहिए, इसलिए कार का स्टिकर दिया मैंने। ओके बताओ। यस, और कैसे आ सकता है खुशू, और कैसे ध्यान ला सकते हैं बताओ? और जो काम कर रहे हैं नमाज में उसके ऊपर भी ध्यान देना। यस, जो कर रहे हैं उसके तरफ ही ध्यान देना चाहिए। अगर नमाज पढ़ेंगे तो और किसी और पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए आगे,
तो हम ये देखते हैं कि नमाज में ध्यान देना है। मैं कुछ बात कह रहा था जब ये लिख के बताया, क्या बात थी मालूम है? समझना, टू अंडरस्टैंड। अगर समझ में ना आए ना तो दिल नहीं लगता है, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। पता है आपको, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालमू, जान लो अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह वैसी दुआ नहीं सुनता जिसमें दिल गफलत में हो। मतलब दुआ में हम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, तो जो दुआ हम करते हैं उसमें दिल लगा हुआ होना चाहिए। मतलब नमाज में दिल लगना चाहिए। अल्लाह ताला उस दुआ को नहीं सुनता जिसमें दिल नहीं लगा हुआ होता है। मतलब सिर्फ जुबान कह रही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और रहमान रहीम, दिल ने कहा कि नहीं कहा? मालिक यौमिद्दीन, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? हाँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर हम जब कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की, क्या तर्जुमा है? अल्लाह मुझे हिदायत दे दे सीधे रास्ते की। अच्छा, ये जो हिदायत मांग रहे हैं हम, गाइडेंस मांग रहे हैं, सही रास्ता समझ में आए, हाँ सही रास्ते पे चलें, ये जो गाइडेंस है वो सिर्फ जुबान मांगेगी या दिल भी मांगेगा? दिल भी मांगेगा। तो दिल कैसे मांगेगा अगर समझ में ही नहीं आएगा? तो अगर दिल को समझ में ही नहीं आया तो कैसे मांगेगा दिल? समझ में आना जरूरी है कि नहीं है? है। अभी आप लोग होमवर्क कबूल करो, होमवर्क। नमाज में जो पढ़ते हैं उसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए। नमाज में जो पढ़ते हैं उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए। कैसे मालूम करेंगे? एक बार सीख लो, एक बार याद कर लो। आप लोग स्कूल की तो इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो, थोड़ा सा नमाज में क्या मीनिंग है, अल्लाह अकबर की क्या मीनिंग है, सुभान रब्बिल आला की क्या मीनिंग है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की क्या मीनिंग है, एक बार याद कर लो इंशाल्लाह। एक बार याद करेंगे तो जब नमाज पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? दिल से पढ़ेंगे। ओके, इंशाल्लाह। तो यही है कामयाब मोमिन की खूबी। कामयाब मोमिन की क्या खूबी है? कद अफलहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, खुशू हासिल करते हैं, खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।